स्वागत है बच्चों आप सभी का माँ आशा विद्या समूह के ऑनलाइन लेसन में। आज हम कक्षा 11 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 14 नन्ना सा पौधा का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमने जो आगे की वीडियो में पढ़ा था उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा पुनरावर्तन फिर आगे का अभ्यास करेंगे। आगे की वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो नन्ना सा पौधा है इसे कांगी में वो रास्ते एकता का प्रतीक माना गया है। आसपास के जो रहने वाले विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं उसके जो कुछ बच्चे हैं वो खेल खेल में व्यक्ति में अवतार रूप नन्ना सा पौधा लगाते हैं और वो खेलते हैं और क्या बताता है, ताकि स्त्री होती है उसको क्या चिंता होने लगती है, वो पौधा को देखती है और वो क्या बहुत सोचती है कि जल्दी जल्दी से इसे उगा कर फेंक देते, यानी कि यह पौधा है वो आपस में झगड़ा कराएगा, इससे कि यानी कि आगे चलकर वो बहुत ही झगड़ा कराएगा, इसी बहाने उसके जमीन में हड़प ली जाएगी और वो अपने पति से इसे अब जो होता है उसे उठाकर फेंक देने के लिए कहती है। तब वो बताया है उगा कर फेंक देने के देना चाहिए और पुरुष को अब पौधा जो होता है उसे उठाने के लिए कोशिश करता है लेकिन उससे उखड़ता नहीं है। फिर जो स्त्री पुरुष से दोनों साथ में मिलकर उसमें रस्सी बांध कर उसे फेंकते हैं जोर से लेकिन दोनों गिर पड़ते हैं लेकिन जो पौधा होता है वो उखड़ता नहीं है। अब हम आगे देखेंगे, दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं, बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। सुबह यह पौधा हमारा है अहमद, यह हमें छाया देगा, खोखले हम इसके साथ खेलेंगे। पुरुष, न जाने कैसा पौधा है, स्त्री, वह अपनी तरफ नहीं है। पुरुष, आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे। दोनों उखाड़ने का प्रयत्न में गिर गिर पड़ते हैं, भीतर से भुना और मुनी हंसने लगते, यानी कि जब पति पत्नी साथ में मिलकर रस्सी को खींचते हैं तब वो दोनों गिर पड़ते हैं, तब भुना और मुनी ने वो बसते हैं लेकिन जो पेड़ है होता है वो उखड़ता नहीं। स्त्री, यह क्या तमाशा है। पुरुष, यह कैसा होता है, स्त्री, किसने लगाया है यहाँ। पुरुष, बोलते क्यों नहीं। मुन्ना, हमने लगाया है पिताजी। स्त्री, हमने मानी। मुनी, अब्दुल अहमद गोखले सुबाबरा चौधरी और हमने, यानी कि वो स्त्री है जो अपने जो बच्चा उससे पूछ रही है किसने यह पौधा किसने लगाया, तब जो मुनी है उसकी बेटी तब वो जवाब दे रही है कि यह पौधा है वो अब्दुल अहमद गोखले सुबाबरा और चौधरी और हमने ही लगाया है। तुम्हें पता है हमारी जमीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद गोखले सुबाबरा और चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि ये उनका पेड़ है इसलिए यह जमीन उनकी है। तब वो पुरुष से अपने बच्चों से बता रहे हैं कि यह जो पेड़ है तुमने लगाया है वो बड़ा हो जाएगा। तब जो ये कुमार मित्र है उसके जो माता पिता है वो क्या बताएंगे कि ये हमारी जमीन है और वो उनका पेड़ है और इसलिए वो क्या बताएंगे कि ये हमारी जमीन है। मुन्ना, नहीं नहीं हमने हमने खेल किया है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वो मुन्ना है वो बता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुन्नी, कल हमने सबने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ बाय बाय। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता बाय। मुन्नी, तोता बाय आम गिरा होगा और तुम्हें खाइए। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता बाय। दोनों झूठ मुंह में तुले लिए लाओ पेड़ तेरे बैठाए। दोनों प्रस्थान प्रस्थाना से गाते हुए दौड़ने लगते हैं, माता पिता उन्हें चुप करने के पकड़ लेने के लिए दौड़ते हैं। ये
बताने कि कहां गए दोनों बच्चे। सारे बच्चों गा गाकर शुरू करते हैं, यानी कि जो श्री भूत से वो पुकार रहे तो पेट बहुत ही बड़ा उन्हें लगता है और उसको चिंता उन्हें लगते है। तब वो मुन्ना और मुन्नी को पुकारने लगते है। तब वो बच्चे पेट को गीत गुनगुनाने लगते है। पेड़ पेड़ बाई बाई राम सब उसके बाई, पेड़ पे बैठा तोता बाई तोता बाई आम गिराओ हम तो और तुम ही खाएंगे। यानी कि बच्चा तो बच्चे जो लोग होते हैं वो गीत गाने लगते हो तो क्या कहते हैं कि पेड़ बाई आम गिराओ आम हम और तुम ही खाएंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। झूठा मुंह के दुल्हनिए लाओ पेड़ तेरे बेड़ा बिठाई स्त्री। अरे यह तो हमारी तरफ खेला गाना है पुरुष, हम भी अपने बचपन में ही यही खेलते थे। स्त्री तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो सब नहीं। स्त्री फिर यह होता क्या है सब हम हैं हमारा सपना है। यानी कि वो स्त्री है वो बच्चों से प्रश्न पूछ रही है, ये सब आप सब समझ पाते हैं भाषा, तब वो बता रहे हैं बच्चों के हम नहीं। लेकिन फिर क्या होता है तब सब तेरे हम और हमारा सपना ये बोलता है। स्त्री क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो सब हाँ मुन्ना हमारे कहे करते ही यह होता हमारे हाथ में आ जाएगा। तब मुन्ना क्या जवाब दे रहा है कि हमारे कहने से ही जो यह पेड़ है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। मुन्नी यह हम हमें प्यार करता है, यानी कि तब मुन्नी क्या बता रही है वो छोटी है, तब वो क्या बता रही है कि यह हमें प्यार करता है पेड़ होता मुन्ना हम इसे प्यार करते हैं पुरुष। अच्छा चलो उखाड़ो। स्त्री देखो देख तो बला मुनि बनकर पौधे को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेती है और बच्चे प्रसन्न है, यानी कि जो मुनि है वो आगे बढ़कर पौधे को उखाड़ कर अपने हाथों में ले लेती है और जो बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं। स्त्री अरे यह कैसे हुआ मुनि। जो स्त्री है वो आश्चर्यचकित हो जाती है और वो अपनी मुनि है उसे बता रही है ये कैसे हुआ, यानी कि जो स्त्री पुरुष है वो रस्सी से भी पीते हैं लेकिन वो पेड़ नहीं उखड़ता और मुनि है वो ऐसे उखड़ लेती है और वो बता रही है अरे यह कैसे हुआ मुनि। तब पुरुष कहता है यह कैसा चमत्कार। स्त्री हम इसे बस से मस नहीं कर पाया पुरुष, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चौधरी यह हमारा सपना है, यानी कि चौधरी क्या बता रहा है कि यह पौधा हमारा सपना है, यानी कि जो बच्चे है वो साथ में मिलकर जो पेड़ लगा रहा है, यानी कि हमको यहाँ क्या देखने मिलता है राष्ट्रीय एकता देखने को मिलता है, यानी कि जो यहाँ जो बच्चे रहने वाले वो अलग अलग भाषा के है वो अलग अलग प्रदेश के है लेकिन वो साथ में मिलकर पेड़ को जो होता है वो होता है उसको बड़ा करते हैं वो, यानी कि एक साथ मिलकर उस पेड़ को उगाते हैं यानी कि उसकी देखभाल करते हैं, यानी कि साथ में मिलकर उस पेड़ को उसकी रक्षा करते हैं। चौधरी मुन्ना हम सब मिलकर खेलेंगे। मुनि यह कितना सुंदर है पुरुष, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे, यानी कि जो पुरुष होता है वो क्या बता रहे हैं कि इस पेड़ को हम फावड़े को खोद डालेंगे। स्त्री हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। पुरुष फावड़ा ले आता है पौधे को खोदना शुरू करता है, बच्चे फिर हंसना शुरू करते हैं, यानी कि जो पुरुष होता है वो फावड़े से खोदने लगता है, जो बच्चे होते हैं वो पुरुष पर हंसने लगते हैं। पुरुष पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी, यानी कि जो पुरुष होता है वो गुस्सा होता है और वो क्या बता रहा है कि इसमें कितनी गहरी जो जड़ है। स्त्री सब इन लोगों की बदमाशी है, यानी कि स्त्री है वो भी गुस्सा हो जाती है और वो क्या बता रही है कि ये सब बदमाशी है वो बच्चे लोग की है। पुरुष भागते हो या नहीं यहाँ से, यानी कि वो बच्चों से क्या बता रहे कि यहाँ से भागते हो या नहीं, यानी कि यहाँ जो पुरुष होता है वो बच्चों पर गुस्सा होता है।
पार्ट मदर को तो यानी कि बेटो बचाओ, हमने बहुत सारी मेहनत करके उसे पालन पोषण किया है और उसे बहुत बड़ा किया है। क्योंकि हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं और जो पेड़ है इसके पास हम आस पास हम सब जो मित्रों है साथ में मिलकर खेलते हैं। स्त्री, मैंने कितनी बार कहा है कि अपने लोगों के साथ खेलो, यानी कि जो स्त्री है वो अपने बच्चों से क्या बता रहे हैं, जो अपने लोग है उसके साथ ही खेलो, दूसरों के साथ नहीं। मुन्ना, ये अपने लोग नहीं है वो क्या बता रहा है मुन्ना के, ये अपने लोग नहीं है। स्त्री कहाँ है, यह बंगाली है, यह साउथ इंडियन और यह मराठी, यानी कि जो मुन्ना की जो माता है जो स्त्री है वो अपने बच्चों से क्या कहती है, ये सब तो अलग अलग भाषा के लोग है, वो अलग अलग प्रदेश के लोग है, यानी कि एक बंगाली है, एक साउथ इंडियन है और यह मराठी है, वो हम कहाँ है मुन्ना, यह सब क्या कह रहे हैं आप, यानी कि जो मुन्ना है वो अपनी माता से क्या पूछ रहा है कि आप यह सब क्या कह रहे हैं। मुनि, आपकी यह बात हमारी समझ में नहीं आती, यानी कि वो अपनी माता से क्या कहती है कि ये तुम्हारी जो बात है वो हमको समझ में नहीं आती है। अमन, नहीं नहीं हमारे पोते को मत तोड़िए, यानी कि जो अमन अहमद नाम का जो लड़का है वो उसको रोकता है और वो क्या बता रहा है कि इस पोते को मत तोड़िए और उसको मत तोड़िए। पुरुष, अरे यह तो तुक्का भी नहीं। स्त्री, यह कहाँ कहाँ का है, इसका नाम है, वो स्त्री है वो क्या बता रही है यह कहाँ का है और इसका नाम क्या है, ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं। मुन्ना, इसका कोई नाम नहीं है मुनि, हमारा दोस्त है यह, यानी कि मुनि क्या बता रहे हैं कि ये हमारा दोस्त है ज्योति, यह हम हमें कहानियां सुनाता है। अहमद, हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते है। सुबहराम, यह हमसे बातें करता है। गोखले, यह हमारी भाषा समझता है। मुन्ना, हम इसकी समझते हैं। पुरुष, क्या है इसकी भाषा। स्त्री, हम भी तो सुने, यानी कि यह क्या बता रहे बच्चे का, हमारा जो ये है इसका नाम है नहीं है, वो हमारा मित्र है, उसके साथ हम खेलते हैं, खाना खाते हैं और तो वो है वो कहानी सुनाता है। स्त्री क्या कहते हैं, हम भी सुनते हैं इसकी कहानी और उसकी भाषा, यानी कि विद्यार्थी मित्र यहाँ हमको क्या कहते मिलते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता दिखने को मिलती है, यानी कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग भाषा के अलग अलग प्रदेश में लेकिन वो साथ मिलकर ही रहते हैं और साथ में ही आगे बढ़ते हैं, वो साथ में ही दोस्तों को पालन पोषण करते हैं और यहाँ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हमको देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी